जेके अपडेट खास मुलाकात। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय बुलबुल ऑयल्स। रखे ख्याल आपके दिल का। नमस्कार दोस्तों, जेके अपडेट के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शो का होस्ट और आपका दोस्त शशि गुप्ता। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत और कॉमिक टाइमिंग के साथ पूरे जम्मू कश्मीर को अपना दीवाना बना दिया है। मैं बात कर रहा हूं सचिन सिंह की। लकई पीड़ आए, ये ठंडू च काम करी करिए के लक्के पीड़, गोडे दुखा दे, समझ नहीं आ रही है केह करा। एक मोया मुड़ा नहीं बवा दा मेरा, आए करनी है फोन। हैलो, ए बीना, आए के हाल तेरा? ठीक है? मिम्मी ठीक है? थे मोए बड़ी तलकीफ है बीना, बड़ी बार ठंडू जे कपड़े धोई आई हूँ, बड़ी जान है निकला दी, मशीन है उत्तरी दी खराब हुई दी कपड़े धोने वाली। कुछ ही कम दसा, एक बड़ी ब्याही आती दी जड़ी, वो पता नहीं केड़े जन्मे जन्मे का बदला लै दी मेरे को। जिले दिखो कुत्थे जा दी हैं ब्यूटी पाल जा दी, जिले दिखो कुत्थे जा दी हैं ब्यूटी पाल जा दी, वो उत्तरी दी हूँ शक्ल तेरी नहीं है, हूँ ब्यूटी पाल जा भावें जिथे मर्जी जा। सचिन जी, जेके अपडेट के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जेके अपडेट का और आपकी टीम का मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सचिन जी, आप बहुत जल्दी ही जम्मू कश्मीर में कॉमिक की दुनिया में अलग से पहचान बना चुके हैं, उसके बारे में पहले हमें कुछ बताएं। सर ऐसा कुछ ये प्री प्लान नहीं था एक्चुअली, तो बस कुछ ऐसा था कि मतलब मन में ये खटकती थी चीज़ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर की जो वायरल होती जाती हैं, उसको कॉमेडी ले लो या सॉन्ग्स ले लो, है ना, तो जम्मू में भी लोग बड़ी देर से बेचारे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नेम फेम किसी का हो नहीं रहा था नेशनल लेवल पे। तो बाकी जो मैंने आपको पहले भी बड़े इंटरव्यू में मैं बोल चुका हूँ कि मैं ये कुछ प्लान नहीं था, तो मैंने ये ऐसे ही एक कॉमेडी वीडियो जो करवा चौथ के मौके पर मैंने वो बनाया और वो वायरल होता गया, बहुत ही ज़्यादा उसको मेरे डोगरों ने, एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ कि पंजाबियों ने भी बहुत प्यार दिया, तो वो मेरा जो साहस था ना, जो मेरा वहीं से बढ़ा। तो फिर मैंने ये दूसरा वीडियो एक अपलोड किया दिवाली पे, दौरान दिवाली थी थोड़े दिन में, तो वो भी वायरल हो गया। तो इसी तरह मेरे स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े दिनों के बाद अभी सिर्फ ढाई महीने की जर्नी में मेरा आठवां वीडियो मैंने अभी लॉन्च किया, तो अभी YouTube पे भी उसके 70-75 हज़ार प्लस व्यूज़ हैं, और अभी मेरे जो है सचू एंटरटेनमेंट के नाम से मेरा पेज है, वहाँ पे 87,000 अप्रॉक्सीमेटली व्यूज़ हैं। अलग अलग चैनलों ने डाउनलोड करके अपलोड जो किया है, अगर हम कुल मिला के देखें तो 2.5-3 लाख व्यूज़ हैं उसके अभी ये 6 दिन में, तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला सर। तो बस यही है कि मैं बस करता जा रहा हूँ और लोग खुश होते जा रहे हैं, तो मुझे साहस मिलता है इन चीज़ों से। बल्ला शिपाहिया डोगरिया। हेलो, कौन बोला? हाँ जी, मैं जी राणा बोला है कमेटी वाली। की हाल कीता? मुड़े फिर दसो की करनी, नौ कमेटी होई दी, पानी नहीं तुसें? आहो, पानी कमेटी कैसे नहीं पानी है, पहले नंबर दे लो। पहले देखो, पहले दे लो, तुम पहले तो बारे में मैं टेंशन ले रही हूं, मैं नेमी कमेटी में रख रही हूं, चौथी भाई में नेवे जी गोंडी है ना कुड़ी ने ब्याह जुड़े था, चौथी भाई में उन्हें देनी है। अच्छा, फिर नौमा दे जोड़ो। भाई जी नहीं, नौमी ना, नौमी को है आगे देखने, पिछले बारी ना लड़ा थी कि नहीं आया तो है पता, फिर उसे ना आगे लेना तो कहो। तो फिर केड़ा देखे? हां भाई जी, चेड़ी तो साखो। दोस्तों, सचिन जी का एक दूसरा रूप भी है, आप बहुत से लोग इन्हें कॉमिक के रूप में जानते होंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छे सिंगर भी है। आइए हम उनसे एक गीत सुनते। खुलिया पैया रैण के तबा, कमली की ता तेरे आखबा, खुलिया पैया रैण के तबा, कमली की ता तेरे आखबा, एक भी अखर याद ना होवे, एक भी अखर याद ना होवे, चिड़का दी भी मान लगदा है इश्क हो गया, पढ़ दिया कुछ होर ते मुझो निकले तेरा नाम, नी लगदा इश्क हो गया, नी लगदा इश्क हो गया। सचिन जी, बहुत जल्दी ही आपने नेम और फेम कमाना दोनों शुरू कर दिए हैं, मैं ये चाहता हूं कि आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाए,
आपको स्पॉन्सर्स ने या किसी और ने आगे आकर इस तरफ आपको प्रोत्साहित करने की कोशिश की है या नहीं? सर जैसे आपने कहा कि नेम और फेम है ना, तो उसके साथ साथ आपने बोला कि कोई फाइनेंशियल जो है आपको प्रोत्साहन मिला कि नहीं। सर हमारी जम्मू के आर्टिस्ट जो है ना, इनकी बेचारों की इतनी किस्मत नहीं है कि 10-10, 15-15 साल मेहनत करने के बाद भी इनको फाइनेंशियल मिले। तो फाइनेंशियल मिलते हैं पंजाबी आर्टिस्ट को, वो चाहे पंजाब में हो चाहे जम्मू में हो। तो सर मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी तो अभी जर्नी कुछ नहीं है, 2.5-3 महीने की है, अभी तक तो मेरे को किसी ने अप्रोच किया नहीं है। एक्चुअली पंजाब से किसी ने किया है, वैसे पंजाब से एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने, भाई हीरा जी, उन्होंने पिक्चर को डायरेक्ट किया है गोरियानो दफा करो। सर वो मेरे घर पे आए थे तो उन्होंने मेरे को एक बोला है कि हम आपको काम देंगे, अब मुझे ये पता नहीं है कि वो कल को देंगे कि नहीं। सचिन जी आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत कमी है। आप जो वीडियो बनाते हैं, जो जो भी काम करते हैं, तो उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, पब्लिक के सामने कैसे लाते हैं, कैसे शूट करते हैं, उसको बारे में भी हमें कुछ बताएं। एक्चुअली सर अभी तो मेरी, जैसे मैं आपको पहले बोला कि ये मेरी शुरुआत है, तो अभी तो मैं फिलहाल फोन से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना। तो अभी तक जैसे आपने बोला फाइनेंस किया है, अब कैमरा जो अच्छा कैमरा है 50-60-70 हज़ार रुपए का है ना जी। बिल्कुल। तो अगर मैं अच्छी क्वालिटी के वीडियो बनाने जाऊंगा तो फिर मेरे को पॉकेट से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बट जैसा भी लोगों का प्यार मिल रहा है तो अगर मुझे कोई फाइनेंसर मिलते हैं तो मैं वो कैमरा अच्छा खरीदूंगा, उसका मैं एडिटिंग टेबल लगाऊंगा, तो उसमें करीबन 1-1.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो जैसे हमारी जो पब्लिक है, हमारे शो ऑर्गेनाइजर हैं, तो हमें जैसे वो कुछ पे करते हैं, तो हम आसा आसा अपनी क्वालिटी और जो वीडियोस की जो और भी जैसे और तरह के भी वीडियो हम बना के लोगों को खुश करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। सचिन जी मैं कुछ आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानना चाहता हूँ। जी हाँ, तुसें आख्या के नवे प्रोजेक्ट के बारे में, मेरा अगे के प्लान है। सर मैं अज फिलहाल समझो अज मैं डोगरी च गै काम करना पसंद करगा, क्योंकि मैं सारे को ज्यादा प्यार डोगरे का मिलया, तो मिला तो पंजाब तो भी बड़ा अच्छा प्यार है, ज्यादा प्यार है, लेकिन मैं अपनी स्टेट चो बड़ा ज्यादा प्यार मिला था। तो मैं डोगरी च गै अगे वीडियो बनाने, हूँ मेरा अप्रोक्सीमेटली 15-20 दिन च एक और वीडियो आने वाला है, तो जरा कि कंसैप्ट जोड़ा होगा ना, वो एक मैसेज भी कन्वे करग और लोगों के हर चीज़ जरा मेरा वीडियो ने जी अगे मेरा वीडियो हर एक बंद रिलेट करा दा, तो ये भी वीडियो जरा मेरा आने वाला होगा, तो अपने आप कने लोग इसी रिलेट करिए देखन, तो वो बड़ा प्यार देंगे मैं जिया मेरे अपने पुराने वीडियो दिता ने मेरे। सचिन जी बिल्कुल, अब आपके आने वाले प्रोजेक्ट का हम भी बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे। सचिन जी जेके अपडेट खास मुलाकात में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा बड़ा शुक्रिया सर जेके अपडेट का, स्पेशली शशि सर का मैं इतने इनवाइट करने से, बड़ा बड़ा शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थी हमारी मुलाकात वेरी यंग वेरी डायनेमिक कॉमिक आर्टिस्ट सचिन सिंह जी के साथ। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात एक नई हस्ती के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सेहत के लिए कभी ये खाने का तेल अच्छा तो कभी वो हानिकारक, कोई कुछ भी कहे लेकिन सरसों के तेल की बात ही कुछ और है, और बात जब सरसों के तेल की हो तो बस एक ही नाम, कच्ची घानी से भारत में बना शुद्ध सरसों का तेल, बुलबुल मस्टर्ड ऑयल, रखे ख्याल आपके दिल का। जी की अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए लॉग ऑन करें jkupdate.com पर, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें जेके अपडेट मोबाइल ऐप, सब्सक्राइब करें जेके अपडेट यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें, और हाँ हमारा फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें।